कैसा लगा दर्शन करके आ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया मज़ा आया। भोले की दीवानगी अलग होती है, उसका रुतबा अलग है। क्या करें, है नहीं, उसका नाम लेके तो वैसे ही ताकत जो है 100 गुना बढ़ जाती है नहीं, उसके नाम की महिमा ही अलग है। भोले, आप बिना चप्पल और बिना जूते के गए वहाँ तक? तो वो तो भोले जी हमें ले गए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, हल्का सा भी दिक्कत नहीं लगा हमारे को तो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से पहुँच गए। आपको कितना समय लगा था वहाँ तक? हमें 1.5 घंटा लगा था। हमको 1.5 घंटे में कहीं बैठे नहीं। 12 किलोमीटर का जो रास्ता है पैदल, आपको पता था पहले से? दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप सभी को लेकर उस जगह पर चलेंगे जहां से नीलकंठ मंदिर की पैदल यात्रा शुरू होती है। पिछले काफी दिनों से, कह सकते हैं जब से सावन लगा है, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आ रही है कि नीलकंठ पैदल यात्रा चल रही है या नहीं चल रही है। तो वही जानने के लिए हम वहाँ पर आप सभी को ले चलेंगे, और वहाँ पर जितने कांवड़ यात्री आ रहे होंगे या श्रद्धालु जो दर्शन करके आ रहे होंगे, उनसे हम बात करेंगे और पूरे रास्ते के बारे में और मंदिर में कैसा माहौल है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आप रास्ते में देख सकते हैं बहुत सारे कांवड़िए जो हैं इस समय नीलकंठ मंदिर के लिए जो पैदल मार्ग है वहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि पैदल यात्रा जो है वो स्वर्ग आश्रम या जानकी झूला से शुरू हो जाती है और आगे चल के एक मोड़ आएगा जहां से मेन यात्रा शुरू होगी। तो दोस्तों, आप सभी को लेकर हम उस जगह पर चलते हैं जहां से नीलकंठ मंदिर की पैदल यात्रा शुरू होती है। और ये देखिए, इस मार्ग में हमें बहुत सारे श्रद्धालु भी दिख रहे हैं, क्योंकि सावन का जो महीना है, पैदल यात्री बहुत लोग मंदिर तक पहुँचते हैं और ख़ास तौर पर कांवड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जगह जगह पर आपको श्रद्धालु दिखेंगे, कांवड़ यात्री दिखेंगे जो पैदल यात्रा करते हैं। तो कुछ ही देर में हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से पैदल रास्ता शुरू होता है। और ये पैदल मार्ग है स्वर्ग आश्रम से या राम झूला से बात की जाए तो लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास होगा। अगर आप जानकी झूला की तरफ से आते हैं तो आप जल्दी इस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं और उसके बाद पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, सुंदर पहाड़ों के बीच ये रास्ता है, हरे भरे पेड़ हैं और इसी पेड़ों के बीच में थोड़ी दूर और चलेंगे तो वो जगह आने वाली है जहाँ से पैदल रास्ता जो है कटता है। लेफ्ट साइड मोड़ आपको एक मिलेगा, देखते हैं क्या क्या वहाँ पर बेहतर हुआ है। दोस्तों, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक बाईं ओर एक रास्ता जाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर नीलकंठ मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से आगे आपकी बाइक या दूसरी कार्स वगैरह नहीं जाती हैं, आपको पैदल ही जाना होगा। ये देखिए, ये रास्ता जंगलों के बीच से जाता हुआ नजर आ रहा होगा। दोस्तों, फाइनली हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ से नीलकंठ मंदिर की पैदल यात्रा शुरू होती है। ये देख सकते हैं, ये गेट लगा हुआ है और ये जो रास्ता है यहाँ से नीलकंठ मंदिर की पैदल यात्रा शुरू होती है। लगभग 11 से 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप बाबा के दरबार में पहुँचते हैं, दर्शन होते हैं। कुछ कांवड़िए हमारे साथ हैं जो यात्रा करके आ चुके हैं, जलाभिषेक करके यहाँ पर आ चुके हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और ये हमें वहाँ के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। तो क्या नाम क्या है आपका? इंद्रजीत कुमार यादव। इंद्रजीत कुमार यादव जी, कहाँ से हैं आप? उधर को देखिए आप। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया हूँ, पीछे बिहार से। अच्छा, पीछे बिहार, वैसे बिहार से हो लेकिन दिल्ली से आए हो, तो ये पहली बार आए हो या इससे पहले आ चुके? मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आनंद मिल गया आके यहाँ पे। यहाँ से लेकर, मैं चाहता हूँ ऋषिकेश से लेकर जब तक आपकी यात्रा के बारे में पूरा बात बताइए, यहाँ तक पहुँचने तक के कितना समय लगा, कितनी भीड़ थी,
कितनी देर वहाँ लाइन में लगना पड़ा और दर्शन कैसे हुए? 8 बजे के करीब हमने जल यहाँ से भरे। हाँ, इसी केस से 8 बजे गंगा जल आपने भरा था? हाँ जी, जल भरे और यहाँ से लमसम में 2.5 घंटा लग गया चलने में। 2.5 घंटे में आप मंदिर तक पहुँच गए थे? तो 2.5 घंटे तो बहुत फास्ट होता है तब। अच्छा, हाँ जी। तो अब नया ब्लड है, यंग आदमी हो तो तुरंत 2.5 घंटे में पहुँच गए। हाँ जी, हाँ जी। कैसा रहा रास्ता, कैसा है? रास्ता तो कठिन है पर सुकून है। नहीं, रास्ते में कहीं दिक्कत है या रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है? नहीं, खराब रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है और कबड़िया बोले बम सब जा रहे हैं अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ पे आराम से जल चढ़ाए, कोई तरह की परेशानी नहीं है। अच्छा, आप आज सुबह ही यहाँ से गए थे? हाँ जी, हाँ जी। 8 बजे यहाँ से आपने शुरू करी, 10:30 बजे के आसपास आप पहुँच गए। वहाँ लाइन में कितनी देर लगना पड़ा? लाइन में लमसम 1 से 1.5 घंटा लगने पड़ा। 1 से 1.5 घंटे में भीड़ थी? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद जलाभिषेक करके उसके बाद आप नीचे आ गए हो। हाँ जी, हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आ रहे हैं, जो कांवड़ यात्रा पर आना चाहते हैं, कैसे यात्रा करें, कुछ प्लान बताना? अपनी सावधानी से यात्रा करें क्योंकि इतने बड़े बड़े गहराई है, पहाड़ों है, सोच समझ के करें, अच्छा से चले, एक दूसरे से टच ना हो। रास्ते में आपको बहुत सारे लोग जाते हुए तो दिख रहे होंगे क्योंकि जंगल रास्ता है, तो सबसे मेन तो ये हो जाता है कि आप एक दो लोग हों तो यात्रा में रुक जाएं, जब आपके साथ लगभग 4-6 लोग हों तभी अगर यात्रा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे आपको मिलते रहे रास्ते में लोग? हाँ जी, लोग जा रहे। हाँ, आते भी थे, जाते भी थे। क्या नाम है आपका? अभिलाष पाठक। अभिलाष पाठक जी, आपको अच्छा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा। पहली बार आए थे? हाँ जी। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। यादव जी, बढ़िया हो गए दर्शन? बढ़िया। आना चाहेंगे दोबारा? मैं तीसरा बार आया हूँ सर। अच्छा, तीसरा बार आया हूँ। तो जल लेकर गए थे? जल लेकर कांवड़ यात्रा पर गए थे आप? जी जी जी। दोस्तों, ये भोलो से हम बात कर रहे थे और बाद में हमारी नज़र जब पड़ी तो उन्होंने ये जो यात्रा की है बिना चप्पल और जूते के की है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 11-12 किलोमीटर का ट्रैक है, कंकड़ पत्थर और कांटों का भी डर है क्योंकि जंगल वाला रास्ता है। तो भोले, आप बिना चप्पल और बिना जूते के गए वहाँ तक? तो वो तो भोले जी हमें ले गए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, हल्का सा भी दिक्कत नहीं लगा हमारे को तो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से पहुँच गए। आपको कितना समय लगा था वहाँ तक? हमें 1.5 घंटा लगा था। हम तो 1.5 घंटे में कहीं बैठे नहीं थे, हम लोग से पहले पहुँच गए। हम दोनों गए थे, मैं और ये। 1.5 घंटे में आप मंदिर तक पहुँच गए? पहुँच गए थे, 11 बजे हमने जल चढ़ा दिया था। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं 1.5 घंटे में लगभग 11 से 12 किलोमीटर। नॉर्मल जो प्लेन सड़क होती है वहाँ भी अगर आप तेज़ी से चलेंगे तो 8-9 किलोमीटर 1 घंटे में चढ़ पाएंगे। तो ये समझ सकते हैं बिल्कुल वैसे ही गए जैसे कि एक प्लेन वाला रास्ता हो, जबकि इस रास्ते में बहुत चढ़ाई है। मैं भी इस रास्ते से एक बार जा चुका हूँ। तो ये भोले की भक्ति है जो ये लोग कर पाते हैं और नंगे पैर भोले बाबा के दर्शन करके जलाभिषेक करके यहाँ पर आए हैं। तो कोई ये मनोकामना थी कि नंगे पैर आने की, या आप मन था भोले बाबा? मन था जी कि इस बार हम भोलेनाथ के लिए ऐसा करेंगे। हाँ जी, पहली बार आए थे तो मैंने सोचा देखते हैं भोले बाबा खींच लेंगे हमारे को कैसे तो भी। चलो, भोले बाबा ने खींच लिया हमारे को। चलो, बहुत अच्छी बात है, भोले बाबा आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करे, ऐसे ही आप तरक्की करते रहें। ठीक है, ओके, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अभी आप कांवड़ यात्री से बात कर रहे थे, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक फैमिली है हमारे साथ जो कि पैदल यात्रा करते हुए दर्शन करके वापस आए हैं। तो इनसे भी बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये भाई साहब हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे जब 12 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं और भी पैदल, और चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इनसे बात करते हैं कैसे इन्होंने यात्रा की और कितना समय लगा है। सबसे पहले आप सभी को हर हर महादेव। बेटा, क्या नाम है, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्या है। सौम्या, बहुत अच्छा नाम है। पहली बार गए थे आप मंदिर पे? हाँ। 12 किलोमीटर का जो रास्ता है पैदल, आपको पता था पहले से? नहीं। तो फिर तकलीफ नहीं हुई? नहीं, आराम से चढ़ गए थे जी। 21 किलोमीटर यहाँ से तो 12 किलोमीटर है। आप कहाँ से आप लोग? अच्छा, वहाँ भी गए थे आप लोग पैदल? तो फिर तो 12-13 है, 3-4 किलोमीटर उधर जाना और आना। बेटा, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? नव्या। नव्या, आप भी पैदल गए थे? यस। थकान नहीं हुई आपको? हुई थी। नहीं हुई थकान? हुई थी। हुई थी, फिर क्या हुआ? फिर आराम किया, फिर उसके बाद चढ़ाई चढ़ी? हाँ जी। अच्छा, रास्ता कैसा था? ठीक था, मतलब ऊबड़ खाबड़ था। ऊबड़ खाबड़ था। अच्छा, दोबारा आना चाहोगे? हाँ। भोले बाबा से क्या मांगा आपने? पढ़ाई करते हो ना? हाँ। क्या मांगा आपने?
बस हमने इतना मांगा हम फाइनल एग्जाम में पास हो जाए। फाइनल एग्जाम में कौन सा क्लास है आपका? सेवन्थ। बेटा आप लोग इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा रोड्स खोलो। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सर अभिनव। अभिनव बहुत अच्छा नाम है। आप कौन से क्लास में हो? सर सेवन्थ। आपको पता था कि ये जो 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर का सफर है आपको पैदल करना है? नहीं। तो घर से बताया था मम्मी पापा ने कि ये 13 किलोमीटर पैदल चलना है? आया था घर में पता चला। तो क्या सोचा आपने, पैदल चल लेंगे हम? हाँ चल लेंगे। कोई दिक्कत हुई? आपने बोले पापा से क्या मांगा? हमने मांगा कि मेरे को अच्छे से पढ़ाई करने दो। अच्छा, अच्छे से पढ़ाई करना है, बुद्धि दो हमें। आपको क्या नाम है? खुशी। खुशी, आप कौन सी क्लास में बेटा? एट्थ में हूँ। रास्ते में दिक्कत नहीं हुई, आराम से चले गए थे? हाँ बस थोड़ी दिक्कत हुई, थकान हुई थी। थकान हुई तो आप रुक के इंतजार करा, उसके बाद फिर आप पहुँच गए? हाँ। कितना समय लगा आपको, कुछ याद है यहाँ से जब आप चढ़ाई शुरू कर रहे थे? आप लोग आज ही गए थे यहाँ से चढ़ाई करते हुए? कल ऐसे चार साढ़े चार बजे। कल चार साढ़े चार बजे गए। वहाँ पर फिर कहाँ रुके थे आप लोग? कहीं भी नहीं, बस चल रहे थे, बस थोड़ा सा रुके थे जब थकान लगी। रात में फिर रुके नहीं होंगे? रात में तो रुके होंगे। रात में तो हम मंदिर पहुँच गए थे। अच्छा, फिर तो वहाँ पे एक दो घंटा सोए, फिर तीन बजे उठ गए थे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? गौरी। कौन सी क्लास में हो आप? मैं सेवन्थ में। कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा। क्या मांग रहे भोले बाबा से आप लोग? पढ़ाई अच्छी हो। पढ़ाई अच्छी हो। कहाँ से आए हो आप? मैं इधर ऋषिकेश। ऋषिकेश में ही रहते हो? नहीं, थोड़ा ये लाल थप्पड़। अच्छा, लाल थप्पड़ की तरफ रहते हो। आप जी, आप कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत आप वापस अच्छा लग रहा है। पहली बार गए थे या इससे पहले? पहली बार गए थे। तो 12 13 किलोमीटर आप पैदल चल के गए हो, कोई मुसीबत नहीं हुई, आराम से पहुँच गए? 12 ये 24 किलोमीटर मान लो, पूरे झिलमिल गुफा तक। अच्छा, 24 किलोमीटर है, आना भी जाना भी 24 डबल हो गया। 24 48 किलोमीटर हो गया। तो आज झिलमिल गुफा में तो आज दर्शन किया होगा आपने, तो कैसा था वहाँ, भीड़ थी? कैसा? नहीं, भीड़ तो नहीं थी, पर अच्छा लगा वहाँ पे। अच्छा लगा। तो एक तरह से भोलेनाथ को सब लोग खुशी करने में लगे हुए हैं। जलाभिषेक हो गए थे मंदिर में? भीड़ ज़्यादा थी? बहुत अच्छे से। नहीं, ठीक थी भीड़। कितनी देर में नंबर आया था? नंबर हम 4 बजे लग गए थे, फिर 5 बजे कपाट खुले थे, 5 बजे के बाद आ गए थे नंबर, 5:15 5:30 बजे तक नंबर आ गए थे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। आप लोगों को एक बार फिर से जय शिव शंभू, हर हर महादेव। क्या शुभ नाम क्या है आपका? मोंटी। आप कहाँ से हैं? यही ऋषिकेश से। ऋषिकेश से हैं। कैसा लगा दर्शन करके आ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, मज़ा आया। भोले की दीवानगी अलग होती है, उसका रुतबा अलग है। क्या करा है नहीं, उसका नाम लेके तो वैसे ही ताकत जो है 100 गुना बढ़ जाती है नहीं, उसके नाम की महिमा ही अलग है। क्या करें। तो आने वाले श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को क्या कोई जानकारी देना चाहेंगे रास्ते के बारे में, या कि भीड़ कैसी क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? भीड़ ठीक है। देखो, अब तो वैसे निम्बक ऑफ सीजन ही, मतलब कांवड़ का अब अंतिम पड़ाव भी समझो, मतलब धीरे धीरे भीड़ कम ही होती जाएगी आगे आगे ना। तो अपना यह है कि आगे आगे चले तो जैसे फैमिली के साथ आए तो दिन में चले, रात को अब आगे आगे ना चले, दिन में ही सफ़र करें बस। बाकी अपना शॉर्टकट कम ले। शॉर्टकट बहुत है रास्ते में, तो लोग कई बार शॉर्टकट मारने लगते हैं, वहाँ पर स्लिप होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, रास्ते में पानी यानी की व्यवस्था है पीने की? देखो, कोई व्यवस्था नहीं पानी की, ऐसा है कि एक यही मिलेगा शुरू में, एक मिलेगा सीधे मंदिर पे, क्योंकि उन्होंने बोतलें भी बेचनी है। अच्छा, बीच में कोई बोतल वोतल तो बेच रहा होगा? हाँ, बोतल ही है, वैसे पानी नहीं है, मतलब नलके है लेकिन उनमें पानी नहीं है, नल तो है। अच्छा। लेकिन उनमें पानी नहीं है, पानी से कुछ कहना है। चाहेंगे प्रशासन से, अपील करना चाहेंगे कि पानी की व्यवस्था तो कम से कम कराई जाए, पानी की बेसिक सुविधा है और ये होनी चाहिए, कम से कम सावन के महीने में तो होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, भीड़ इसी टाइम होती है, बाकी इस रास्ते में भीड़ होती कहाँ है, भीड़ इस टाइम होती है। 2 महीने पानी, 1 महीने की बात होती है मेरे हिसाब से, बस ये है। बाकी थोड़ा उनके रोजगार में फर्क पड़ जाएगा, बस यही है। वो तो है, लेकिन पानी, लेकिन पानी की आए एक वो है, एक बेसिक्स में वो फैसिलिटी है, देनी चाहिए। कभी नहीं, दो जगह में मिला है यही नजदीक में, बाकी हमें पानी कहीं नहीं मिला है, मोल लेके पीना। चलिए, प्रशासन से अपील करेंगे पानी की व्यवस्था कराएं। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश सिंह। आप कहाँ से हो भैया? वैसे तो नेटरी से हूँ, टिहरी चंबा से। अच्छा अच्छा, रहते हम लाल थप्पड़। लाल थप्पड़ तो आप अलग हो या साथ में ही हो? साथ में हम सारे। अच्छा अच्छा, तो आपको कैसा कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? आपके हाथ में कौन सा झंडा है दिखाना चाहेंगे? तो दोस्तों देख सकते हैं, हाथों में है जय श्री राम का एक सुंदर सा झंडा, और भोले की दीवानगी हो और हाथों में जय श्री राम का झंडा हो,
फिर तो यात्रा यूँ कट जाती है। मैं इसी को लेके आ रहा हूँ, ऊपर से इसी आया नीचे तक। अच्छा, हालत खराब हुई थी थकान से वहाँ। चलिए ठीक है, आप सभी को हर हर महादेव। ठीक है भैया।